आपके साथ जसप्रीत कौर, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। दिल्ली हिंसा मामले की जांच में जुटी स्पेशल सेल ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। खालिद की गिरफ्तारी यूएपीए एक्ट यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत कल देर रात हुई है। उमर खालिद से स्पेशल सेल की टीम दो बार पूछताछ भी कर चुकी है। पहली बार कुछ महीने पहले पूछताछ हुई थी, जबकि दूसरी बार करीब 10 दिन पहले उससे पूछताछ हुई थी। इतना ही नहीं, पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी जांच के लिए जब्त किया था। खालिद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से पहले दो अलग अलग स्थानों पर भड़काऊ भाषण दिए जाने का आरोप है। उमर खालिद को आज कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, देर रात तक उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई है, आज कोर्ट में पेशी भी होगी, कितने बजे पेशी होगी? देखिए जस्टिस, पहले उन्हें मेडिकल के लेकर जाया जाएगा, उसके बाद ही स्पेशल सेल उसको जो है कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि उमर खालिद वो छात्र नेता रह चुका है जिसके ऊपर पहले से ही ये तलवार लटक रही थी कि उसकी गिरफ्तारी निश्चित है। क्योंकि इससे पहले जिन जिन लोगों से नॉर्थ ईस्ट दंगों के मामले में गिरफ्तारी जिन लोगों की हुई है, जिनके बयान हुए हैं, हर बार हर आरोपी के बयान में उमर खालिद का नाम जरूर था। क्योंकि उमर खालिद ने अपने कुछ ऐसे ग्रुप बनाए थे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, जो सोशल मीडिया पर खास तौर से नॉर्थ ईस्ट दंगों से पहले एक भूमिका तैयार कर रहे थे, और इस तरह से साजिश का कहीं ना कहीं उसके ऊपर आरोप है और इसी को लेकर गिरफ्तारी तय की गई है। रविवार के दिन 11 बजे सुबह उसे बुलाया गया था पूछताछ के लिए, जिसके बाद लगभग 10 से 11 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। अब आज स्पेशल सेल कोशिश करेगी कि उसे एक कम से कम 5 से 10 दिन की रिमांड में लेकर आगे की पूछताछ की कार्रवाई शुरू करेगी। बिल्कुल दीपक, रिमांड पर लेने की कोशिश होगी स्पेशल सेल की। और जो अब कुछ महीने पहले पूछताछ हुई थी, 10 दिन पहले जो पूछताछ हुई है, तो पूछताछ में अहम सुराग लगे हाथ, यही आधार बना गिरफ्तारी का? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए जिस तरह से शुरुआती दौर से ही उमर खालिद के खिलाफ जो पुलिस टीमें हैं, जांच टीमें हैं, वो ये मानकर चल रही थी, क्योंकि जिन जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही थी इस पूरे दंगा षड्यंत्र में, उन लोगों ने हर बार हर बयान में उमर खालिद का कहीं ना कहीं जिक्र किया था। और यही वजह थी कि क्योंकि उमर खालिद वहां पर आकर भड़काऊ भाषण देता था या किस तरह से साजिश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता था, इस तरह की कई सारी चीजें थी, और इसी को लेकर स्पेशल सेल पूरा इनपुट इकट्ठा कर रही थी, जिसके बाद उसकी पूछताछ निश्चित थी। क्योंकि 2 सितंबर के आसपास क्राइम ब्रांच की टीमों ने भी, जो पूरे मामले की जांच कर रही है नॉर्थ ईस्ट दंगों की, उन्होंने भी उमर खालिद को बुलाकर कई घंटे की पूछताछ की थी। और उसके बाद शर्जील इमाम को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने असम से लाकर गिरफ्तार किया। उस मामले में भी शर्जील ने भी उमर खालिद का नाम लिया था कि उसने और कई और दूसरे नेताओं ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था ठीक दंगों से पहले। तो इसको लेकर भी स्पेशल सेल के पास कई सारे सबूत हैं। तो ये सारी गिरफ्तारी के बाद अब कोर्ट से रिमांड में लेकर इन सबूतों के साथ ही दूसरे लोगों से उसकी बातचीत करवाई जाएगी, उसके आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब होंगे, और इसको लेकर आज रिमांड मांगेगी। बिल्कुल, तो दीपक आज का दिन काफी अहम है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा उमर खालिद को, उसके बाद स्पेशल सेल रिमांड में लेने की कोशिश करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां सेल्फी के चक्कर में गाड़ी में बैठे दो लोग मौत के मुंह में फंस गए। ये घटना उस वक्त हुई जब वहां की कारम नदी में अचानक बाढ़ आ गई और खतरनाक हुई नदी देखते ही देखते गाड़ी को निकल गई। इस मंजर ने वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। गणपति मंदिर है, गाड़ी कड़ाई नजर रही है। सामने आई एक वीडियो में गाड़ी 300 फीट गहरी खाई में गिरती हुई दिखी। इस घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। ओए विजय, कार जा रही, कार जा रही, कार। कारम नदी में अचानक आया सैलाब गाड़ी को काफी दूर तक बहा कर ले गया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि गाड़ी में बैठे लोगों को किसी तरह बचा लिया गया। ऊपर चले जाओ। बताया जा रहा है कि नदी में अचानक आई बाढ़ की वजह से कुल 3 गाड़ियों को वहां नुकसान पहुंचा, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के पास लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी। कोरोना संकट के बीच आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। कोरोना महामारी की चुनौती के बीच ये सत्र 18 दिनों का है, जो बगैर किसी छुट्टी के लगातार 1 अक्टूबर तक चलेगा। सत्र के समय सियासी तापमान बड़े रहने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष चीन के साथ LAC पर चल रहे विवाद, अर्थव्यवस्था और कोरोना संकट जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस सत्र में सरकार 23 विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें 11 विधेयक अध्यादेशों की जगह लेने के लिए लाए जाएंगे। मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोपहर 3 बजे राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव होना है। NDA की ओर से JDU सांसद हरिवंश तो विपक्ष की ओर से RJD सांसद मनोज झा उम्मीदवार हैं। सभी दलों के नेताओं ने संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने के सहयोग के लिए आश्वस्त किया है।
मुझे आशा है ये संसद सत्र सुचारू रूप से चलेगा, सबके सुरक्षा और स्वास्थ्य के व्यापक इंतजाम के साथ चलेगा। हमारे चाइनीज एग्रेशन है, कोरोना पेंडेमिक है, इकोनॉमी है, बेरोजगारी है, माइग्रेंट लेबर की हालात पे चर्चा करना चाहिए, ये सारे मुद्दे हैं हमारे पास। चाइना की मुद्दे पे हम चर्चा चाहते हैं, क्या हो रहे हैं, क्या होने वाला है, स्थिति क्या है, ये सारे सिर्फ मैं नहीं हिंदुस्तान के आम लोग यह जानना चाहते हैं। मुंबई में पूर्व नौसेना अधिकारी से मारपीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र के बुलढाणा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में एक बैंक मैनेजर के साथ मारपीट कर दी। इस घटना पर बीजेपी ने राज्य की उद्धव सरकार को आड़े हाथों ले लिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता बैंक मैनेजर के साथ मारपीट करते हुए दिखे। हंगामे के समय एक पुलिस वाले ने बैंक मैनेजर को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसकी एक नहीं सुनी और बैंक मैनेजर को पीटना शुरू कर दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी ने राज्य की उद्धव सरकार को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस के नेता बुलढाणा में एक बैंक मैनेजर के दफ्तर में गए और उसको बहुत बुरी तरह से मारा, क्या यही उनका उखाड़ देना है? बताया जा रहा है कि बैंक मैनेजर पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट की, जिस पर हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया। सुशांत सिंह मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 6 लोगों की आज कोर्ट में पेशी होगी। एनसीबी अधिकारियों के मुताबिक ये 6 ड्रग्स तस्कर आरोपी मिरांडा और शोविक से लगातार संपर्क में थे। एनसीबी ने इनमें से एक ऑटो वाले को भी गिरफ्तार किया है जो ड्रग्स का सप्लाई करता था, ताकि पुलिस और जांच एजेंसी का कोई शक न हो। एनसीबी ने इन सभी को मुंबई और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर गिरफ्तार किया था। तो अभी तक 16 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है, 6 ड्रग्स तस्करों की कोर्ट में आज पेशी होनी है। ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी ने एक ऑटो वाले को भी गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि जो 6 ड्रग्स पेडलर्स पकड़े गए हैं वो लगातार शोविक और सैमुअल मिरांडा के संपर्क में थे, अब इनकी पेशी होगी। तो एनसीबी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। केरल सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील को कोल्लम में बीजेपी और कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ा। सोने की तस्करी के मामले में नाम सामने आने के बाद से केटी जलील का राज्य में लगातार विरोध हो रहा था और कोल्लम में तो बीजेपी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अचानक उनके काफिले को घेर लिया और हंगामा करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री केटी जलील को काले झंडे भी दिखाए और उनके इस्तीफे की मांग भी की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को धकेल कर पीछे कर दिया, जिसके बाद केटी जलील की गाड़ी तेज रफ्तार में वहां से निकल गई। इससे पहले मलप्पुरम में भी केटी जलील के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया था। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, जल्द ही लद्दाख के सभी इलाकों को हवाई रूट से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है। लद्दाख में 6 हवाई पट्टी और 22 हेलीपैड होंगे, जबकि लद्दाख में 3 हवाई पट्टी और हेलीपैड पहले से बने हुए हैं जिन्हें और आधुनिक बनाया जाएगा। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि लद्दाख के सभी इलाकों को अब हवाई रूट से जोड़ा जाएगा। चीन से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने अहम योजना को मंजूरी दे दी है और जो वहां पर पहले से हेलीपैड मौजूद है उन्हें और आधुनिक बनाया जाएगा। लद्दाख में 6 हवाई पट्टी और 22 हेलीपैड होंगे, जबकि लद्दाख में 3 हवाई पट्टी और हेलीपैड पहले से बने हुए हैं जिन्हें और आधुनिक बनाया जाएगा। तो लद्दाख के सभी इलाकों को हवाई रूट से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने हवाई रूट जोड़ने की इस योजना को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 2 लोगों ने सड़क पर मिले 2.5 लाख रुपए लौटाकर ईमानदारी की मिसाल कायम की। एक दिन पहले हुई इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग बैठे दिखे। इनमें पीछे बैठे शख्स के कंधों पर एक बैग लटका हुआ नजर आया जिसमें 9 लाख रुपए रखे थे। दोनों वहां से गुजर ही रहे थे कि तभी बैग की चेन खुली होने की वजह से नोटों की कुछ गड्डियां नीचे गिरती हुई नजर आई। बताया जा रहा है कि 2.5 लाख रुपए बैग से वहां नीचे गिर गए और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। उनके वहां से गुजर जाने के बाद एक आदमी वहां पहुंचा और उसने ये पैसे वहां से उठा लिए। काफी देर बाद जब बाइक सवार पैसे ढूंढते हुए वहां वापस आए
तो उसने बिना किसी देर किए उन्हें उनके 2.5 लाख रुपए उन्हें लौटा दिए। जिस व्यक्ति का पैसा ले जा रहे थे 9 लाख, उसमें का 2.5 लाख यहाँ गिर चुका था, उसको मैं बकायदा यहाँ बुलाकर वीडियो फुटेज दिखाया, फिर मैं उसको समर्पण। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी उसकी तारीफ की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चीन से जुड़ी हुई। एलएसी पर भारत के कड़े तेवर के बाद चीन डरा हुआ है, ऐसे में वो झूठ फैलाने में जुटा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एलएसी पर तनाव के बीच फिर 1962 की जंग का जिक्र किया है। चीन को डर है कि अगर जंग हो गई तो उसे भारत से निपटना मुश्किल होगा, ऐसे में उसने लिखा कि भारत को सैन्य जोखिम नहीं लेना चाहिए और दोनों देशों को एक होना चाहिए, जबकि सभी जानते हैं कि चीन एक तरफ बात करता है दूसरी तरफ धोखा देने की फिराक में रहता है। लंदन से तुर्की जा रहे इजी जेट के एक विमान में एक यात्री ने अफ्रीकी मूल की एक महिला पर हमला कर दिया। आरोप है कि नस्ली टिप्पणी करने पर महिला ने विरोध जताया था और सामने आए एक वीडियो में उसे ऐसा कहते हुए भी सुना गया। नस्ली टिप्पणी पर उसने आपत्ति जताई तो एक यात्री बुरी तरह भड़क गया। यही नहीं, उसने लोगों की काफी समझाने के बावजूद उस पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद जब इजी जेट का विमान तुर्की के अंथालिया पहुंचा तो पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। इस पर विमान में मौजूद यात्रियों ने तालियां भी बजाई। इस घटना पर ब्रिटेन की निजी एयरलाइंस कंपनी इजी जेट ने भी दुख जाहिर किया। एलएसी पर तनाव के बीच चीन ने दिखावटी वीडियो जारी किया है। चीन का ये प्रोपेगेंडा वीडियो तिब्बत मिलिट्री कमांड के सैनिकों का है, जिसमें वो 4000 मीटर की ऊंचाई पर पैराशूट से जंप करते नजर आ रहे हैं। चीन इससे पहले भी ऐसे वीडियो जारी कर चुका है। वहीं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने ग्लोबल टाइम्स के वीडियो पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना 1988 में ही ऐसा कर चुकी है। बिहार के पश्चिमी चंपारण से खौफ से भर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक गाड़ी उफनती नदी को पार करते वक्त सैलाब के बीच में फंस गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, गाड़ी में 2 लोग मौजूद थे, जिन्हें उनकी लापरवाही ने खतरे में डाल दिया। नदी को पार करते वक्त गाड़ी सैलाब के बीच फंस गई। सामने आए एक वीडियो में गाड़ी में फंसे लोग बाहर निकलने की कोशिश करते दिखे। किसी तरह इलाके के लोगों की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद खुदाई करने वाली एक मशीन से गाड़ी को भी खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की। इलाके के लोगों ने बताया कि पुल नहीं होने की वजह से लोगों को इसी तरह जान खतरे में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। मुंबई के साइन अस्पताल में एक कोरोना मरीज का शव गलत परिवार को देने के मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया गया कि इस लापरवाही की वजह से परिवार ने उस शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन जब ये बात मरीज के परिवार के लोगों को पता चली तो वो आग बबूला हो गए। भीड़ में शामिल लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट की भी कोशिश की। हालांकि काफी हंगामे के बाद पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन चले गए। इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 2 कर्मचारियों को भी आनन फानन में सस्पेंड कर दिया। हम लोग को बता रहे कि हमारी बॉडी उधर नहीं है, उन्होंने अंत संस्कार उस पे कर दिया है। पुलिस ने भी अस्पताल पर लगे लापरवाही के आरोपों की जाँच का भरोसा दिया।